नमस्कार अमरीजनो, आप देखें बीजू पाठशाला, आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि सीयूईटी में अभी तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। ये आप लोग को इसलिए जानना चाहिए जिससे आप लोग अपने कंपटीशन का लेवल जान सको। सो फाइनली ऑफिशियल डेटा के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, अभी दो दिन पहले का यूजीसी के चेयरमैन एमजे कुमार जी का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो लास्ट डेट था सीयूईटी का यानी 12 तारीख, जिसको बढ़ा के अब 1 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट कर दिया गया है, तब तक जो फॉर्म भरा गया वो टोटल संख्या था 11.5 लाख, यानी 11.5 लाख फॉर्म अभी तक सीयूईटी यूजी में भरे जा चुके हैं 2023 के लिए। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने फिर आगे मेंशन किया कि लगभग अपने लास्ट डेट तक जो फॉर्म है वो 15 लाख को क्रॉस करने वाला है, लगभग 14 लाख से और 15 लाख के बीच में। हम लोग 2022 का डेटा अगर एनालिसिस करें तो उसमें पाते हैं कि लगभग सीयूईटी में 15,90,000 फॉर्म जो है वो भरा गया था, जिसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश ऑनर्स के लिए फॉर्म भरे गए थे और डेली यूनिवर्सिटी के लिए, सेकेंड भी बीएचयू था। बाकी स्मार्ट बोर्ड पे मैं एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट या मार्क्स किस में जाता है। चूंकि आप लोगों को पता होगा लगभग 19 से 20 हजार बच्चों ने पूरे में पूरे मार्क्स लाए थे लैंग्वेज में या किसी किसी डोमेन सब्जेक्ट्स में, समझ रहे हो, कॉम्पिटिशन का लेवल समझो। तो अब मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ एमजे कुमार जी से थोड़ा हट के। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाने वाला एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पे जो है, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा, वो है नीट का, यानी मेडिकल के लिए जो बच्चे 12वीं के बाद फॉर्म भरते हैं उनकी संख्या लगभग 16 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि फर्स्ट नंबर पे इंडिया में आता है, और उसकी कंडक्टिंग बॉडी भी हमारा एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीयूईटी ने पहली बार ही अपना सेकेंड रैंक बना लिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। सीयूईटी अपना रैंक बनाना भी चाहिए चूंकि ये एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट्स को कैरी करता है, हर एक यूनिवर्सिटी को कैरी करता है ऑलमोस्ट। इस बार तो यूनिवर्सिटी दुगनी होने जा रही है सीयूईटी में, प्राइवेट कई सारे को-एडेड कॉलेजेस, कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसकी जो संख्या है 2022 से दुगनी होने वाली है। तो ऐसे में भाई फॉर्म तो अपने आप ऑटोमेटिकली, जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो भी सीयूईटी के थ्रू आएंगे, तो भाई जो है कॉम्पिटिशन वो बढ़ेगा। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बार हो सकता है 16 लाख को क्रॉस कर जाए, लगभग ये नीट को कहीं ना कहीं कम्पीट करे या नीट से आगे निकले, थोड़ा सा पीछे रह जाए। मतलब ये जो कंपटीशन नीट और सीयूईटी का है, जो लास्ट ईयर 2022 का था, वो लगभग मुझे लग रहा है कि इस बार सेम होने वाला है। हाँ, लेकिन इनका फॉर्म भरे जाने का जो संख्या है वो बढ़ सकता है। इन तमाम चीजों से आपको क्या आइडिया लगता है कि कंपटीशन का क्या लेवल होगा? क्योंकि हमारा देश जो है, अगर अपने वो पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी लेवल पे जो एडमिशन देता है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, को एडेड मिला के बात कर रहा हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा डीयू देता है। अगर डीयू अपने आप को अलग कर ले या डीयू के एफिलेटेड कॉलेज आप अलग कर लो, तो ऐसे में हमारा देश अभी इतना पीछे है शिक्षा विभाग में कि वो लोग अपने भरे गए फॉर्म के 0.5% बच्चों को भी नीट और जेईई एडवांस के थ्रू आईआईटी का सीट नहीं दे पाते हैं। हाँ, सीयूईटी की खैर अलग बात है, थोड़ा ये ज्यादा एडमिशन दे पाते हैं चूंकि इनके पास कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, इसलिए इनका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मैं जैसा बताया कि लगभग 1.5 से 2 लाख बहुत है, इतना प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट की बात कर रहा। अब यहाँ पे एक बात और मैं कंफर्म कर दूंगा, जो सीयूईटी है 2022 में देखा गया है कि इनका 60 से 70% तक ही अटेंडेंस था, अपने आप में बहुत बड़ी नाकामी है। चूंकि इन्होंने जो एडमिशन कराने का, जो पेपर कराने का जो कमेटी बनाई, जिसको दिया गया कंडक्टिंग बॉडी, वो एनटीए, और एनटीए बहुत लापरवाही किया लास्ट टाइम। चूंकि अब ऐसे में बच्चों ने पेपर ना देना संभव समझा, या फिर सोचा नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेंगे, या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, जैसे कि उन्हें पता नहीं है कि इस कोर्स में ये सब्जेक्ट लेना था या ये डोमेन लेना था, और इस अवेयरनेस की कमी की वजह से उन्होंने उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। दूसरा रीजन एक और था कि यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का इतना चार्ज रख दिया, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने 1,000 रुपए रख दिए। अब बच्चा सीयूईटी का चले फॉर्म भरे, उसमें पैसा दे, फिर यूनिवर्सिटी का पैसा दे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ये रीजन रहा कि जो परसेंटेज रहा प्रेजेंट होने का 2022 में,
वो बहुत कम रहा, लगभग 16 लाख में बताया ना, 15 लाख 90 हजार, उसमें से 9 लाख के आसपास लोगों ने ही अटेंडेंस दिया था। सोचो कि इतने लाख, लगभग 5 लाख जो फॉर्म है उसका पैसा गवर्नमेंट फ्री में बैठ बैठ के खा गई, बच्चे पेपर देने गए ही नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, इस बार हारना नहीं है, हर अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो एग्जाम देने जरूर जाना है, प्लीज प्रॉमिस करना आप कि आप फॉर्म भर रहे हो तो आप एग्जाम देने जरूर जाओगे। मैं आपको बता दूं, बीएचयू पार्ट्स अलग वीडियोस फॉलो करते हो तो आप सीयूटी को बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, हर एक चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओगे, बहुत मजा आएगा। सो प्लीज एक प्रॉमिस करो मेरे से कि आप सीयूटी के एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग प्लीज हर एक जो भी चॉइसेस है आपकी यूनिवर्सिटीज के, जो कोर्सेज की चॉइसेस, जो सब्जेक्ट्स की चॉइसेस है, उसका एग्जाम डे बाई डे जाके दोगे। और बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करो, उस पर मैं वीडियोस ले आऊंगा। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग अब अपडेटेड लेते टॉपिक पे वीडियोस ले आ रहे हैं, जो लेटेस्ट टॉपिक है, जैसे कि G20 हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ऐसे भी एग्जाम के पहले जितने भी इवेंट्स है उस पर वीडियोज आ रहे हैं, जिससे कि आपका GT के प्रिपरेशन हो चुके, लाइव वीडियोज आ रहे हैं, बहुत जल्द हम लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, तो तमाम चीजें जो है आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्टअप का काम करेगा। तो मुस्कुराते रहे, बीएचयू पाठशाला देखते रहे, बहुत सारे शुभकामनाएं। BHU पाठशाला का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका 999 में, यानी 999 रुपए, वैसे उसका रियल प्राइस 2000 है लेकिन हाफ परसेंट पे दिया जा रहा है। आप चाहें तो लैंग्वेज, GT या फिर कोई आपका डोमेन है लीगल वगैरह, तो आप कोर्स ज्वाइन करें, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। PG के भी कोर्सेज हमारे यहाँ रन कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो BHU पाठशाला देखते रहे, मुस्कुराते रहे, यहाँ पे आपको पूरा फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग आपके काउंसलिंग में ऑफिशियल से लेकर अनऑफिशियल अपडेट देने वाले हैं, जो आपके एडमिशन में एक बहुत बड़ा बूस्टअप का काम करेगा, बहुत बड़ा हेल्प करेगा। ओके, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, हर हर महादेव। अपने पूरे स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड साइकिल है सब में शेयर कर दो इस वीडियो को, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कर दो, जिससे कि हर किसी को पता चले कि एक्चुअली व्हाट इज CUET और इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको कैसे भरना है और क्या बातें हैं जो ध्यान देने से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इटमीन्स आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लोगे। ठीक है, ओके, हर हर महादेव। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।